हार कर वापस आए, मर क्यों नहीं गए वहाँ? जुबान बंद रखी अपनी। नमस्कार दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ था और ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो गई थी जो आगे चलकर आदिलशाही और मुगलों की शर्मनाक हार का कारण बनी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये बात शुरू होती है सन 1630 में, जब आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम फैल चुका था और दूसरी तरफ आदिलशाही का खौफ आसमान की बुलंदियों का छू रहा था। यहाँ पर चीख पुकार, मासूमों की हत्या, दर्द, इन सबसे इंसानियत दहल उठी थी। इसी बीच इस जुल्म को जड़ से मिटाने महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक चिंगारी उठी थी, जो बहुत ही जल्द शोले बरसाने वाली एक धधकती आग बनते जा रही थी, और जिस आग का नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। देखते देखते इनकी स्वराज की सीमाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, लेकिन ये बात बीजापुरी सल्तनत आदिलशाही को रास नहीं आई। आदिलशाही की सुल्ताना यानी बड़ी बेगम साहिबा पूरे भरे दरबार में आकर चिल्ला उठी, हमें शिवा की मौत चाहिए। और इस काम के लिए उन्होंने बड़े ही बेरहम, जालिम, खूंखार अपने एक सरदार को बुलाया, जिसका नाम था सिद्दी जौहर। उसके साथ तमाम हाथी, घोड़े, हथियार दिए और 10,000 की शाही फौज दी, और कहा कि जब तक शिवा को मार न दो, हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन यहाँ पर आदिलशाही और मुगल एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, जिनका उनको एहसास तक नहीं था कि ये आगे चल के उन पर कितनी भारी पड़ने वाली है। यहाँ पर सिद्दी जौहर अपने दामाद सिद्दी मसूद, फैजल खान और अन्य बड़े सरदारों को लेकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले तक आ पहुंचता है, जहां से कुछ ही दूरी पे पन्हाला किला था। सिद्दी जौहर ने चालाकी से और धोखे से पूरे पन्हाला किले को घेरा डाल दिया, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने चंद कुछ सरदारों के साथ मौजूद थे। वो मई का महीना था और गर्मियां अपनी आग बरसा रही थी, फिर भी अपने चंद सरदारों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज पूरे एक महीने तक जोरदार हमला करते हैं। लेकिन धीरे धीरे किले पर खाने पीने का सामान, गोला बारूद, रसद खत्म होने लग रहा था, और बाहर से मदद ना मिलने के कारण किले की ताकत कम हो रही थी। नीचे सिद्दी को ये बात अच्छे से पता थी कि किले के ऊपर खाने पीने का सामान और रसद खत्म होने लग रही है, और शिवा के पास मात्र 350 की फौज है, और मैं यहाँ 10,000 की शाही फौज लेकर आया हूँ, अब तो शिवा की मौत पक्की, ऐसा सिद्दी अपने मन में सोचने लगा था। लेकिन यहाँ पर सिद्दी एक बहुत बड़ी गलती कर देता है, जिसका उसको हरजाना आगे भुगतना पड़ता है। उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कुछ चंद सरदार थे, जिनमें शंभू सिंह जाधव, रायाजी बांदल, फुलाजी प्रभु और बाजी प्रभु देशपांडे जैसे शूरवीर योद्धा मौजूद थे। उनके साथ किले पर एक और आदमी मौजूद था, जो नाई था, जिसका काम था बाल काटना। लेकिन वो दिखने में छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत सिमिलैरिटीज रखता था, बहुत ज्यादा शिवाजी महाराज जैसा ही दिखता था, और उसका नाम था शिवा काशिद, जिसका इस कहानी में बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है। खाने पीने का सामान और गोला बारूद खत्म हो जाने की वजह से किले के ऊपर बहुत ज्यादा परेशानियां बन रही थी। तब पन्हाला किले से निकलकर विशालगढ़ पर जाने की शिवाजी महाराज ने एक योजना बनाई। विशालगढ़ और पन्हाला किले की जो दूरी थी वो थी 22 कोस, यानी आज की 66 किलोमीटर। आखिर वो दिन आ गया, सोमवार 12 जुलाई सन 1660। वो अमावस की रात थी, उस दिन का वो सातवां प्रहर चालू था, यानी शाम के 6 बजे थे। बारिश अपना रौद्र रूप लेकर बरस रही थी, घना जंगल और अंधेरा था। तब किले के पीछे के गुप्त द्वार से छत्रपति शिवाजी महाराज अपने 350 की छोटी सी फौज लेकर जंगल से गुजर रहे थे। उस वक्त शिवा काशिद ने छत्रपति शिवाजी महाराज का रूप धारण किया था, ताकि वो खुद पालकी में बैठकर सिद्दी जौहर की छावनी की तरफ जाएगा, ताकि उनको ऐसा लगे कि खुद शिवा उनके हाथ लग गया। उनको गुमराह करने की ये बहुत बड़ी योजना बनाई गई थी। लेकिन जिस शिवा काशिद की कुछ ही दिनों पहले शादी हुई थी, और उसे पता था कि अगर वो छावनी में गया तो उसे मारा ही जाएगा, जिंदा बचने के कोई आसार नहीं थे, लेकिन फिर भी उसकी पत्नी कहती है कि हमारे महाराज, हमारे भगवान को आप सही सलामत विशालगढ़ पर पहुंचा के आएंगे, ऐसा मुझे आप वचन दीजिए। दोस्तों सोचो क्या माइंडसेट था उनका। यहाँ पर अपनी फौज की जान बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी फौज को लेकर घने अंधेरे जंगलों से गुजर रहे हैं। यहाँ पर शिवा काशिद अपनी जान की परवाह ना करते हुए छावनी की तरफ बढ़ जाता है, ताकि सिद्दी जौहर और उसकी पूरी छावनी को ऐसा लगे खुद शिवा उनके हाथ लग गया।
और इससे छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ से निकलने का और ज्यादा वक्त मिल जाएगा। यहाँ पर शिवा काशिद को ही छत्रपति शिवाजी महाराज समझकर सिद्धि जौहर के आदमी उन्हें पकड़ लेते हैं। शिवा हाथ लग गया इस बात से सारे खुश हो जाते हैं। यहाँ पर सिद्धि को और उसकी पूरी छावनी को गुमराह करने में शिवा काशिद सफल हो जाता है। वहां पर राया जी बांदल, फुलाजी प्रभु, बाजी प्रभु सारे लोग शिवाजी महाराज के साथ विशालगढ़ पर जाने के लिए बढ़ रहे हैं आगे। वहां पर शिवा काशिद बहुत देर तक सिद्धि जौहर को गुमराह कर रहा होता है, लेकिन फैजल खान जब देखता है और वो कहता है कि ये शिवा नहीं है, तब जाके उसे पता चलता है कि ये शिवाजी महाराज नहीं, ये एक शिवा काशिद नाम का उनका एक मामूली सिपाही है। तब सिद्धि जौहर का गुस्सा आसमान छू गया। फिर अपने भगवान अपने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करके शिवा काशिद उनको कहता है कि राजा आपको मेरा ये आखिरी मुजरा। और उसके बाद शिवा काशिद अपनी जान पे खेल जाता है ताकि शिवाजी महाराज को सही सलामत किले पे पहुंचाया जा सके। खुद की जान की परवाह किए बिना अपने राजा को अपने भगवान को सुरक्षित किले पर पहुंचाना ये उनका एकमात्र लक्ष्य था। फिर सिद्धि जौहर ने अपना आपा खो दिया और अपनी 10,000 की फौज लेकर अपने दामाद सिद्धि मसूद को छत्रपति शिवाजी महाराज का पीछा करने भेज दिया। दोस्तों यहाँ पर वीडियो को थोड़ी देर रोक कर मैं आप सबसे बहुत 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 ज्यादा थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने इतनी ज्यादा तादाद में हमारी वेबसाइट पे विजिट किया, sikhon.com पे विजिट किया। जैसे आपको तो पता है ही कि सिखोन द हाई क्लास देसी लर्निंग ब्रांड जो हर देसी आदमी को हाई क्लास बनाने वाली एडटेक कंपनी है। और हमारा जो इंग्लिश के महाराजा जो कोर्स है जहाँ पे आप 21 दिनों में इंग्लिश के महाराजा बन जाओगे। और अगर आप देसी हो, आप चाहते हो कि आपको सब कुछ आ जाए, आप भी इंग्लिश में टक 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 करके बात कर जाओ, फॉरेनर के साथ आंखों में आंखें डाल के आप 21 दिनों के बाद बात कर पाओगे, ये सारी चीजें आपको वहां पे इंग्लिश के महाराजा में मिल जाएगी। पूरे देसी स्वैग के साथ, पूरे देसी स्टाइल के साथ आप इंग्लिश में बात कर पाओगे, ये सारी चीजें आपको तो पता है ही। और वहां पे आप पैसे भी कमा रहे हो और वहां से आपको बड़े बड़े बम्पर गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं, जैसे बोट के हेडफोन्स है, फैट टायर साइकिल्स है, लैपटॉप्स है और बहुत बड़े बड़े बम्पर गिफ्ट्स है। बहुत आप में से लोगों ने ले भी लिया है, सो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। और जिन मेरे भाइयों को, मेरी सिस्टर को ये बात अभी तक नहीं पता है तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने फिर से सारी चीजें डिटेल में अवेलेबल करके दी है। कोई देसी शर्म से सर नहीं झुकाएगा कि उसको इंग्लिश नहीं आती है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं, ये नहीं है, वो नहीं। मेरे भाई, आई एंड माय होल सिखोन टीम इज विथ यू, इट्स फॉर यू, यू डोंट हैव टू वरी, ओके। मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप देसी हो सो जाइए और वेबसाइट पे जाके देखिए, सारी चीजें आपको वहां पे डिटेल में मिल जाएगी। अभी हम चलते हैं वापस हमारे वीडियो पे। यहाँ सिद्धि मसूद 10,000 की फौज लेकर शिवाजी महाराज के पीछे जा रहा था। बादल गरज रहे थे, बिजलियां चमक रही थी, पूरी रात शिवाजी महाराज और उनकी फौज घने जंगल से, घने अंधेरे से दौड़ रही थी। तब एक जगह आकर उन्हें दुश्मन का एहसास होने लगा। उस जगह का नाम था घोड़खिंड। हमें आदिल शाही और मुगलों ने जो गलती की थी वो यहाँ दिखाई पड़ती है। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं था कि जैसे उनकी फौज जहांगीर, सोना चांदी, ऐशो आराम इन सब के लिए लड़ती है, वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज कभी नहीं लड़ती। वो तो सिर्फ अपने भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके सपने स्वराज को साकार करने के लिए लड़ते हैं, अपनी जान तक देने पे तैयार हो जाते हैं। घोड़खिंड में आकर राया जी बांदल, बाजी प्रभु, शंभू सिंह यादव छत्रपति शिवाजी महाराज से कहते हैं कि राजा आप विशालगढ़ की तरफ जाइए, यहाँ पर हम लड़ते हैं। नहीं बाजी, आपको और मेरे सारे भाइयों को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। इतना शिवाजी महाराज का कहते ही बाजी प्रभु उनका हाथ पकड़ के अपने दिल से कहते हैं कि राजा आप यहाँ पे युक्तिवाद ना करिए, आपके ऊपर पूरा मराठा साम्राज्य टिका हुआ है, हम यहाँ पर लड़ते हैं। आप जैसे विशालगढ़ पर पहुंच जाएंगे वैसे तोपों के 5 बार दे देना, जब तक इस बाजी के शरीर में प्राण है तब तक ये बाजी अपने जान की बाजी लगाएगा और यहाँ पर इस घोड़खिंड को लड़ते रहेगा। एक भी दुश्मन इस घोड़खिंड को आगे जाकर पार नहीं कर पाएगा, ये इस बाजी का आपको वचन है। अरे चले गए तो भी यहाँ 300 की फौज ये सोचती है कि 10,000 की शाही फौज को मार गिराएंगे। दोस्तों माइंडसेट देखिए इनका, ये सिर्फ 300 लोग और वो 10,000 की फौज थी, फिर भी ये सोच रहे हैं, इतनी निगेटिव आसपास सिचुएशन है फिर भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये उनसे लड़ेंगे। और ना सिर्फ लड़ेंगे, ये सोच रहे कि उनसे जीत जाएंगे, जहाँ पर उनके साथ लड़ने का सोचना ही मुश्किल है। तब वो यहाँ पर सोच रहे हैं कि लड़कर उनसे मारकर जीत भी जाएंगे। दिस इज द माइंडसेट दोस्तों, ये होता है माइंडसेट। खुद को इतना पॉजिटिव कर रखा था कि आसपास की नेगेटिव सिचुएशन उनको
पत्ते की तरह लग रही थी। 300 लोग यहाँ पर स्वराज को बचाने के लिए अपनी जी जान पर खेल कर लड़ रहे थे। ये रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है कि इस सैनिक के धमाका करने के लिए ये बारिश थोड़ी देर के लिए रुक कैसे गई थी। वहाँ 65-70 साल का बूढ़ा आदमी अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर 2000 सैनिकों को अकेले मार रहा था। 12 घंटों से लगातार दौड़ रहे हैं और 9 घंटे से लगातार चल रही लड़ाई में अपने दोनों हाथों में तलवार लिए नरसंहार करे जा रहा था। शरीर पर 40 घाव हो चुके थे, लेकिन ये आदमी नीचे गिरने का नाम नहीं ले रहा था। जैसे ही विशालगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज पहुंचे, उनकी आंखों में आंसू थे और कह रहे थे कि अरे जल्दी तोपों के बाहर दीजिए, मेरे जी वहां पे लड़ रहे हैं। सैनिकों के लिए, अपने लोगों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज रो रहे थे। और जैसे 5 तोपों के बार दिए गए, वैसे ही वहां पर शूरवीर बाजी प्रभु देशपांडे और उनके 300 सैनिकों को वो आवाज सुनाई दिया और उन्होंने कहा कि मेरे राजे सही सलामत विशालगढ़ पर पहुंच गए। तब जाके उन्होंने कहा कि राजा इस बाजी का आपको आखिरी मुजरा राजा। तब जाके उन्होंने अपने हाथों से तलवार नीचे छोड़ दी और अपने देह का त्याग कर दिया। उस दिन इन सारे शूरवीरों का बलिदान उस भूमि ने देखी, उस घोड़खिंड ने देखी और इनके बलिदान से वो पावन हो गई। उसका नाम तब से पावन खिंड हो गया। आदिलशाही सिद्धि जौहर और मुगलों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना और उनकी मराठा फौज को कम समझा। उनकी सेना कम थी, इसलिए उनका शौर्य भी कम था। यही उनकी सबसे बड़ी गलती हुई और ये उनकी शर्मनाक हार का कारण बनी। मराठा फौज की सेना कम थी, लेकिन उनके सीने में बहुत दम था। चारों तरफ मौत नाच रही थी, लेकिन उनके माइंड में सिर्फ एक विचार था। व्यवसाय आत्मिक बुद्धि एक कुरुनंदन, एक विचार था सबके मन में कि छत्रपति शिवाजी महाराज को सही सलामत विशालगढ़ पर पहुंचाना है। और उनका माइंडसेट इतना पॉजिटिव था कि वो सोच रहे थे ये 10,000 की फौज को हम यूं चुटकियों में धूल मिटा देंगे। तो दोस्तों, हमें उनसे यही चीज सीखनी है कि माइंडसेट कैसे पॉजिटिव रखा जाए। आपके ऊपर कितने भी प्रॉब्लम्स एक साथ हमला कर दे, लेकिन अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप हर प्रॉब्लम को पार कर जाओगे। दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। आज हम देखते हैं कि हमारे 10वीं 11वीं के बच्चे अगर मार्क्स कमाए तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, इवन सुसाइड तक का जालिम ऑप्शन भी चूज कर लेते हैं। दोस्तों, हमें ये सोचना चाहिए कि उस टाइम पे एक्चुअल में सिचुएशन कितनी खराब थी, फिर भी उन लोगों की जो सोचने की क्षमता थी वो कितनी ज्यादा सकारात्मक थी, ये हमें समझना चाहिए। जब हम ऐसा सोचने लग जाएंगे, हमारी लाइफ भी आगे बढ़ेगी। जिस भी फील्ड में जाओगे आप भौकाल मचाओगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, और अगली वीडियो आप किस हस्ती पे चाहते हैं वो भी कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। तब तक के लिए मैं शुभराज, एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सिखॉन, आप सबसे विदा लेता हूं। आपको मेरी तरफ से सैल्यूट।